आज हम आपको पंपों में होने वाली खराबियां वह उसको ठीक करने की विधि के बारे में बताएंगे। पंप के अंदर क्या क्या खराबियां हो सकती हैं, जैसे घर के अंदर हम पानी लेने के लिए पंपों का प्रयोग करते हैं, घर के अंदर जो मोनो पंप होता है उसके अंदर क्या खराबी हो सकती है, आवाज करती है तो क्या खराबी हो सकती है, कैसे हम उसको ठीक करें, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो समाधान पंप को ठीक करने के लिए जानकारी अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि पंपों में क्या क्या खराबियां हो जाती हैं और उसको पूरी ठीक करने की विधि के बारे में। जैसे सबसे पहले पंप के अंदर जो खराबियां हो जाती हैं कि पंप चलाने पर पानी नहीं उठाता है, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है पंपों के अंदर। जब हमने पंप को चलाया, बटन दबा दिया, लेकिन पानी नहीं उठाया है, उसके अंदर क्या खराबी हो सकती है कि पंप पानी नहीं उठाएगा। तो उसका हमें क्या निवारण करना है कि इस अवस्था में पंप कहीं से हवा ले रहा है, जब हवा लेता है तो हवा वैक्यूम नहीं करती है, वो उसके अंदर घूमती रहती है, पानी को उठा नहीं पाती है। जब तक पंप के अंदर पानी नहीं होता है, वो पानी निकल जाता है। निकल कैसे जाता है, उसके अंदर जो वो हम चेक वाल्व लगाते हैं ना, वो चेक वाल्व नॉन नेटेड वाल्व बोलते हैं उसे, NRBV, वो चेक वाल्व भी खराब हो जाता है। वो चेक वाल्व खराब होता है तो पानी उतर जाता है, पानी उतरेगा तो फिर समस्या रहेगी, या फिर कहीं से लाइन हमारी लीक है तो उस लाइन के द्वारा पानी निकल जाता है। चेक वाल्व खराब है तो मोटर चलती रहेगी, मान ले पंप हाउस स्टेशन से मोटर चल रही है और वहां से हमने मोटर बंद कर दिया, सब लोगों को पानी भर चुका है, फिर किसी कारणवश हमारे घर में पानी खत्म हो जाता है और फिर हम मोटर चलाते हैं तो मोटर पानी नहीं उठाएगी। क्यों नहीं उठाती है, वो इसीलिए नहीं उठाती है, या तो वो कहीं से लीक है, हवा ले रही है उसमें से जो चेक वाल्व, पानी निकल जाता है, उसे निकालो, या पंप का फुट वाल्व जिसे हम बोलते हैं चेक वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व, नॉन नेटेड वाल्व, उन्हें ठीक करना होगा, उन्हें बदलो या ठीक करो। उनके अंदर क्या होता है, कई बार लाइन के अंदर कचरा आ जाता है, उस कचरे को हमें निकालना होता है। जैसे कि कचरा क्या, जैसे लाइन में हमने चलाया, कहीं पे कोई डंडी आ गई या कोई पत्ता आ गया या कोई बाल आ गया, क्योंकि लाइनें कई बार कॉर्पोरेशन की लाइनें टूट जाती हैं तो उनको रिपेयर करते समय उसके अंदर जब रिपेयर करते हैं तो वो लाइन का पानी भी वापस चला, क्योंकि सब स्टेशन से पानी को बंद कर दिया तो लाइन का पानी मोटर के हर घर वालों ने खींच लिया, फिर वो जो कचरा उस गड्ढे में गिरा था वो कचरा खींच लिया, तो वो कचरा कहाँ जाएगा, वो हमारी मेन लाइन में जाएगा, मेन लाइन में जाएगा तो घरों में जो मोटर लगी है उनके जो पंप है, जो चेक वाल्व है, नॉन नेटेड वाल्व है, उनके अंदर वो पानी के साथ में चला जाएगा और चेक वाल्व के अंदर स्प्रिंग लगा होता है उसके अंदर जाके फंस जाता है, एक रबड़ होता है, रबड़ के डिस्क के ऊपर वो फंस जाता है, फिर उसमें से वो पानी दोबारा लाइन के अंदर चला जाता है, या लाइन कहीं से गल जाती है तो लीक करने लगती है, वो पानी पूरा निकल जाता है। तो जब पूरी लीकेज होगी कहीं पे या नॉन नेटेड वाल्व खराब होगा तो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो कहीं से लाइन लीक है तो उसको हमें चेक करके उस लाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा, लाइन को खोल के या काट के उसको चेंज करना पड़ेगा, तब वो ठीक हो जाएगा। तो इसका यही कारण है कि पंप चलाने पर पानी नहीं उठाता है, तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना, या तो चेक वाल्व खराब है, चेक वाल्व के अंदर कचरा आ गया है, या कहीं से हमारी लाइन लीकेज है, ठीक है। दूसरा नंबर जो है, पंप लोड अधिक लेता है और कम पानी देता है, ये बहुत मेन समस्या होती है। अभी पंपों के अंदर जब लोड लेता है तो बैरिंग पावर या बुश जो बैरिंग होते हैं वो घस जाते हैं, वो टूट जाते हैं, कई बार बुश घस जाते हैं, कुछ फेस उसके अंदर से गायब हो जाता है,
या कुछ फंस जाता है, जो डायमीटर होता है वो घस जाता है। बैरिंगों के अंदर जो गिरारी होती है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो घस जाती है या वो प्ले हो जाती है, उससे भी लौट जाती है, क्योंकि सापट फ्री घूमती रहेगी। जब घूमेगी सापट आर्मेचर के अंदर है, तो बैरिंग के अंदर ही तो घूमेगी, या तो बैरिंग गड़बड़ी कर गया या उसके अंदर बुश गड़बड़ी कर गया, तो इसी चक्कर में तो वो पानी का ज्यादा लौट देती है। उन्हें बदलो या उसको ठीक करो, ठीक है। उसके बाद आता तीन नंबर, पंप लीकेज करता है, लीक करता है, पानी निकलता रहता है। कैसे? जब हम मोटर चलाते हैं घर के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, जब मोनोब्लॉक मोटर लगी है तो कई बार खाली चल जाती है ना मोटर, खाली मोटर चलेगी तो उसमें क्या होता है, वो उसके अंदर गर्म होकर के रबड़ के बुश लगे होते हैं, रबड़ के बुश गर्म होकर के वो घस जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सॉफ्ट बैरिंग या बुश उसके घिस जाते हैं, उन्हें बदलना पड़ेगा, या ठीक करो या बार बार पंप क्या करता है, लोड लेता है, तो उसकी ग्लैंड डोरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उससे भी जो हमारे खेतों में लगते हैं उसके अंदर ग्लैंड डोरी लगती है, इतनी लंबी सी आती काली काली हल्की हल्की, वो ऊपर ग्लैंड डोरी को टाइट करना होता है, उसके अंदर घस जाती है, खत्म हो जाती है चल चल के, वो भी पानी के प्रेशर के लिए कामयाब काम करना होता है। उन्हें बदलना पड़ेगा या फिर नया लगाना पड़ेगा, या ग्लैंड डोरी को, हमें ग्लैंड डोरी के ऊपर नट लगा होता है, ग्लैंड नट बोलते हैं उसे, हर स्पिंडल के ऊपर भी हमने बताया पहले, जितनी भी हमारे पास ब्रास की टूटियां लगी होती हैं, उन टूटियों के ऊपर भी, टूटियों के अंदर जो स्पिंडल होते हैं ना, उनके ऊपर भी एक ग्लैंड नट होता है, उसको हम, ग्लैंड नहीं होती उसके अंदर रबड़ होता है, रबड़ कर जाता तो हम क्या करते, धागा लगा करके ऊपर से हमें स्पिंडल बुश को टाइट कर देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। भैया आ रहे हैं, आज क्या है, पंप आवाज करता है, पंप आवाज करता है, तो इसका भी क्या है कि पंप आवाज क्यों करता है, या तो पंप का फाउंडेशन प्लेट जो होती है उसके नट बोल्ट टूट गए हैं, या लूज हो गए हैं, या ग्लेन नट उसके लूज हो गए हैं, या ढीले हो गए हैं, तो इन्हें भी हमें चेक करना है, इसकी वजह से भी आवाज बहुत आती है मोटर के अंदर। इन्हें कसो या टूट गए तो उन्हें बदल दीजिए। उसके अंदर कोई वस्तु फंस गया है उसे बदलना होगा, या पंप का कोई आंतरिक भाग टूट गया हो, वस्तु को बाहर निकालो जो टूटी हुई है उसके अंदर, उसको बाहर निकालो या बदलो। यदि पंप को उपयुक्त के अतिरिक्त और भी खराबियां हो तो उसे, उसका समाधान स्थिति के देख करके, उसको स्थिति को देखेंगे भाई क्या समस्या है उसके अंदर, उन समस्याओं को देखेंगे और उसको ठीक करेंगे, देखकर उसका किया जा, जो भी निवारण करना होता है, फाउंडेशन का है या और भी कोई समस्या है, लीकेज है, तो उनकी समस्या को भी हम देखें, या वायरिंग ही जल चुकी है उनको भी देखना है, वायरिंग जली तो उस वायरिंग को चेंज करवाना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर के, या पंपों का कार्य क्षमता और हॉर्स पावर। उसके बाद आता है हमारा जो सूत्र होता है, जो पंप कितनी प्रेशर के साथ में हमारा पानी को खाली करते हैं या भरते हैं, तो उसका भी एक सूत्र होता है हमारे पास, वो हम अभी बता देते हैं आपको कि पंपों की कार्य क्षमता और हॉर्स पावर निकालने के लिए एक सूत्र का उदाहरण बताते हैं। एक स्टोरेज टैंक की क्षमता होती है, मान लीजिए 12,000 गैलन, 12,000 गैलन जो होती है, यदि उसे 2 घंटे में खाली किया जाए, हमारे पास घंटे कितने हैं, 2 घंटे, उन 2 घंटों के अंदर हमें 12,000 गैलन को खाली करना है, तो पंप की क्षमता प्रति मिनट गैलन में बताइए। उसकी बताना क्या हमें कि उसकी गैलन जो 12,000 है, तो उसका समय हमारे पास है
2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे में हमने उसको खाली करना है, तो हमें कितना समय लगेगा उसको खाली, कि कितने गैलन 1 मिनट में उसका खाली होगा। तो ये क्या है कि इसके लिए हल के लिए एक सूत्र होता है कि प्रति मिनट पंप की क्षमता, जो आगे हमें लिखना है कि 1 मिनट में कितनी क्षमता से पानी उसमें खाली हो जाएगा, बराबर है गैलन अपॉन समय। गैलन के बटे आएगा जितना गैलन पानी है, जैसे हमारे पास 12,000 है, फिर समय क्या है 2,000 है, तो उसको दो घंटे, समय जो है हमारे पास 2 घंटे है, गैलन 12,000, अब 12,000 गैलन को 2 घंटे में हमें खाली करना है, तो हमने क्या करना है उसकी घंटों के हिसाब से निकालेंगे ना, कि 12,000 बटे 2 × 60 बराबर है, हम 2 से काट देते हैं 600 हो जाएगा, 6,000 को फिर 6 से फिर काट देते हैं, तो इसका टोटल जो एरिया आएगा वो हमें निकालना है, जो तो 1 मिनट में जो आएगा ना वो 100 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से आएगा। ये आप लोग ध्यान रखना है, जब कहीं भी बड़ी टंकी रखी होती है और उस स्टोरेज टैंक का हमें निकालना है कि कैसे वो हमारा हिसाब किताब करके बताएगा कि किस हिसाब से पानी भरना है, किस हिसाब से खाली करना है, तो ये हमें याद रखना होगा सूत्र कि प्रति मिनट पंप की क्षमता और गैलन बटे समय मिनटों में। जो पहले उसने पानी की धारिता दी कि इतना पानी का टैंक है, तो उसमें 12,000 है, उसका समय दिया है 2 घंटे, फिर निकाला हमने मिनटों में, बराबर है गुना 60 बराबर 100 गैलन प्रति मिनट, ऐसे इसका उत्तर आएगा। तो आप लोगों को मैंने पानी भरने की क्षमता गैलन के हिसाब से बताई, पंपों को ठीक करने की प्रक्रिया आपको बताई। अगर इसमें आप लोग किसी प्रकार की अगर समस्या लगती है तो आप नरेश सर ITI चैनल के ऊपर जाइए और कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि सर हमें इसके बारे में आप समझाइएगा, हमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको फिर वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अब आपसे आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले आप फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए तुरंत कि सर ने वीडियो डाली है तो वो हम लोगों के पास पहुंची है, उसको जरूर देखें और जरूर देखना है। जो भी हम वीडियो डालते हैं उन वीडियो को आप पूरी की पूरी देखोगे तब आपको नॉलेज मिलेगी, स्टार्ट करके और लास्ट तक देखना आपने वीडियो को। अगर अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूं और अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।